इंटरनेट के जदीद दौर में हर इंसान किसी ना किसी हवाले से मुंसलिक हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, हर इंसान किसी ना किसी हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक है और इस हवाले से अक्सर साइबर सिक्योरिटी के मसाइल सामने आते हैं, है ना। हैकिंग और हरासमेंट से लेकर ऑनलाइन चोरी और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैकिंग जैसे कई मसाइल हैं, आए रोज देखने को मिलते हैं और नई और जदीद टेक्नोलॉजी होने की वजह से ऐसे मसाइल के तदारुक के लिए भी साइबर सिक्योरिटी के माहरीन की जरूरत होती है। आम लोगों को इससे बचाने के लिए वो कोशा है। ऐसे में पाकिस्तानी नौजवान हैं, कहाँ पीछे रह सकते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और अपना नाम बनाते हैं। खुशखबरी आपके लिए ये है कि एथिकल हैकिंग में नासा भी पाकिस्तानी नौजवान की सलाहियतों का मोतरफ निकला है और उन्होंने पाकिस्तानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शहजाद अहमद के लिए तारुफी लेटर भी जारी किया है। और एक्सप्रेसो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले किस टैलेंटेड नौजवान को अपने पास मधु करना है, ऐसा कैसे मुमकिन है, उनको मधु हमें करना ही पड़ेगा। आज ही हमारे साथ मौजूद हैं नासा के सनद याफ्ता साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शहजाद अहमद। जी हाँ, शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद, सबसे पहले तो ये बताइए कि कहाँ से आपका ताल्लुक है, क्या आपकी तालीम है और ये जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप बने हैं, यहाँ तक का सफर आपका कैसा था? जी बेसिकली मेरा जाती ताल्लुक, मैं डिस्ट्रिक्ट स्वाबी के पी कैसे हूँ और इब्तदाई तालीम तो मैंने वहाँ पे हासिल की, उसके बाद बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इस्लामाबाद में आ गया। बचपन से साइबर सिक्योरिटी का शौक था, पैशन था, तो साथ साथ में लर्न करता रहा, चीज़ों को खुद ढूंढ के सर्च करता रहा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता रहा। तो अपनी जो मेरी डिग्री है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और साइबर सिक्योरिटी अपनी पैशन और अपनी स्किल है, तो बस इसमें काम करता रहा। नहीं तो आपने क्यों नहीं कोशिश की कि हुकूमत की तरफ से या हुकूमती किसी इदारे में शिरकत की जाए, वहाँ पर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेश की जाए, आप अपने तय क्यों करते रहे? देखिए, बाहर की कंट्रीज में गवर्नमेंट की और हर कंपनी की एथिकल हैकर्स को एक ओपन कॉल होती है कि अगर आपको हमारी सिस्टम पे कोई भी वल्नरेबिलिटी, कोई भी ऐसी चीज़ मिल सकती है जिसको हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमारी डेटा प्राइवेसी को नुकसान पहुंच सकता है, तो उनकी एक ओपन कॉल है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एज सच हमारी अभी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम अपने क्रिटिकल एसेट्स जो है उसको अगर हम देख सके, अगर हमें अपने नॉर्मल रूटीन में भी काम करते हुए कोई उसमें इशू मिल जाता है तो हम इस तरह से ओपनली रिपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो शहजाद ये नासा वाली स्टोरी तो जरा बताएं, आपको नासा का लेटर भी मिला है, तारुफी लेटर नासा की जानिब से मिला है, कैसे मिला है, जरा इस पर भी तो रोशनी डालें। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल नासा की भी ओपन कॉल है, सारी जो आईटी या टेक बड़ी कंपनी है इसी बात पर यकीन रखती है कि कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है। इंटरनेट से खुद को कनेक्ट करना मतलब खुद की ही जिम्मेदारी लेनी होगी, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो उनकी भी एक ओपन कॉल है एथिकल हैकर्स को कि अगर आपको हमारी पोर्टल्स पे, हमारी सिस्टम पे काम करते हुए या वैसे अगर आपने टेस्ट करने और आपको कोई बग मिल जाता है, कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, तो आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। नासा की मुझे एक डेटा ब्रीच मिला है जिसमें उनके एम्प्लॉयज के क्रिटिकल सिस्टम के क्रेडेंशियल्स हैं, पासवर्ड, यूजर नेम और बहुत सारी क्रिटिकल डेटा, तो वो मैंने उनको एक डिजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी सिक्योरिटी टीम को मैंने रिपोर्ट किया है। उन्होंने उसको टाइमली देखा है और मुझे अप्रिसिएशन लेटर दिया है कि बगैर। जी बिल्कुल। तो शहजाद ये भी बताइएगा कि अभी कुछ अर्सा पहले हमारी हुकूमत ने भी एक फायरवॉल लगाया था और उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात आई थी हमारे जो यहाँ कारोबारी अफराद ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको। आपको क्या मुश्किलात आती हैं ऐसी सूरत हाल में, अगर आप अपने काम से मुंसलिक हमें आगाह कर सकें? देखिए, बेसिकली फायरवॉल नेशन वाइड हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, फायरवॉल इम्प्लीमेंटेड है, पहले किसी और कंपनी का था, अभी चाइना का यूज़ कर रहे हैं। जी, हर कंपनी के पास फायरवॉल होते हैं। ये जो अभी लगा रही है, बेसिकली इसको DPI कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह शेयर करता है तो उनकी नेटवर्क उस मैसेज को, उस मैसेज के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ सकेगा कि इसमें क्या है। आम फायरवॉल इस चीज़ को नहीं पकड़ सकता। तो इनकी अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए पूरी प्लानिंग के साथ, एक स्किल्ड और डिजिग्नेटेड टीम के हवाले ये काम कर दिया जाएगा तो फायदा है हमारी। क्या फायदा होगा ये भी बताएगा शहजाद, इससे क्या फायदा होगा, जो लोग काम करेंगे इससे हम जल्द हो जाएंगे वो? फिर
एग्जैक्टली इसमें ये है कि हमारी साइबर बाउंड्रीज जो है वो मजबूत हो जाएंगी, साइबर क्रिमिनल अटैक से हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अब चूंकि ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, इस चीज़ को नेशन वाइड इम्प्लीमेंट कर दिया गया है तो इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन आ रही है, जबकि इसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए था, तमाम स्टेक होल्डर्स को, IT कंपनीज को, बैंकिंग सेक्टर को, सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था अच्छा कि हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आज ना देखनी पड़ती अगर इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया शुरू जाता। से ही अभी इम्प्लीमेंट कर लिया था। सवाल के इम्तिहान और भी है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। और यही ये आप पहले शख्स हैं जो ये बता रहे हैं कि ये जो फायरवॉल लगी इसकी वजह से हमें उल्टा फायदा हुआ है, कुछ नुकसान तो ऑफकोर्स उठा ही होगा लेकिन कुछ सिक्योरिटी नहीं, के अच्छा मामला खासा में नुकसान हमें हुआ। फायदा पहुंचा है। ये आपसे मैं सुन रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि अगर आप इतनी कड़ी नजर रखते हैं सारे सिस्टम पर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी साइबर सिस्टम पर, तो उस हवाले से क्या कहेंगे इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं अगर दुनिया का मुकाबला किया जाए, और उन वहाँ पर जो मौजूद हैकर्स हैं, वहाँ पर मौजूद जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए आपने एक बात की, अभी डिस्ट्रप्शन या इंटरनेट है नहीं या कम आ रहे, तो उसकी वजह से हम VPN यूज़ करते, हम जितने भी प्लेटफॉर्म थे तो वहाँ पर हम एज अ पाकिस्तानी रजिस्टर हो चुके हैं और पाकिस्तान की IP से काम करते हैं, चाहे फ्रीलांसर थे चाहे हम हैं। ठीक अब हमारे पास इंटरनेट हो तो नहीं है, हमें एक्सेस नहीं मिलती, हम VPN ऑन करते हैं तो हम वो हमारे अकाउंट को डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये तो है पाकिस्तानी और आ रहा है नीदरलैंड से, जापान से और इन कंट्रीज से, तो ये मुश्किल आ रही है बाकी कंपनीज को भी, सॉफ्टवेयर हाउसेस को भी और फ्रीलांसर्स को भी। अभी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा ने एक एस्टिमेट जारी किया था कि अगर डिस्ट्रप्शन इसी तरह से जारी रही तो 300 मिलियन नुकसान हो सकता है ओ फ्रीलांसर्स को। तो जी जहां तक आपने बात की कि हम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में आता है। ये सेम मैं साइबर सिक्योरिटी की भी बात कर रहा हूँ, हमारे जितने भी एथिकल हैकर हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, वो भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, आप मिसाल ले ले सबके के, मैं खुद भी अगर मैंने नासा पे काम किया है तो वहाँ पे मैंने खुद को एक पाकिस्तानी शो किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट की तो कोई कमी अच्छा नहीं है। ये तो बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। अच्छा शहजाद, ये जो बात अभी आप कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट तो इसमें ये भी कह रही है, IT मिनिस्टर हमारी ये कह रही थी कि VPN जो है उसके यूज़ की वजह से, ज़्यादा यूज़ की वजह से जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्लो हो गई, और अब इस स्लो स्पीड को 5G से नथी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी 5G आएगा तो जो इंटरनेट स्पीड है वो बेहतर हो जाएगी। क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तो 4G नहीं आता, 5G कैसे आएगा, और क्या ये जो मामलात हैं ये हल हो जाएंगे, इंटरनेट जो इतना स्लो है ये बेहतर हो जाएगा? देखिए जहां तक जिस कंटेक्स्ट में आप कह रही हैं, जिस कंटेक्स्ट में इस बात को कहा गया है कि VPN से इंटरनेट स्लो होता है, वो बिल्कुल आउट ऑफ सेंस बात है। हाँ, VPN से इंटरनेट स्लो होता है, कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस है उनकी। जिस कंटेक्स्ट में इस बात को रिस्पांस किया गया कि ये VPN है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है कि यही फायरवॉल, चूंकि इसकी मिसकॉन्फ़िगरेशन हुई है, इसकी मिसाल आप अपने घर के ले लें कि आपके पास लाइट 60 वाट्स के हैं और आप 100 वाट कोई बैटरी लगा दें तो आपके वायर भी जल जाएंगे, आपके लाइट्स भी अच्छा सारे जल जाएंगे, सब नहीं करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का था ही नहीं, ना प्लानिंग थी, ना उनकी डिजिग्नेटेड कोई एक्सपर्ट टीम बिठाई गई थी। अब ना ये भी जा रहे कि PTA या IT मिनिस्ट्रीज को मैनेज भी नहीं कर रहा, तो किसी को ओपनली ये बताया भी नहीं गया कि कौन मैनेज कर रहा है फिर। बिल्कुल। तो ये बताइएगा शहजाद, हमने देखा व्हाट्सएप के मैसेजेस बतौर सबूत कई जगह पर पेश किए जाते हैं, इसका मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनके जो मैसेजेस हैं वो लीक हो रहे होते हैं, चैट्स लीक हो रही होती हैं, कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है ये, और पाकिस्तानियों को किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए इन एप्लीकेशंस के इस्तेमाल के लिए? देखिए जहां तक व्हाट्सएप की अपनी सिक्योरिटी की बात की जाए तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये कि सेंडर टू रिसीवर ये जो मैसेज है वो इंक्रिप्टेड होता है। व्हाट्सएप खुद भी ये दावा करता है कि हमारे सर्वर पर भी ये डेटा इंक्रिप्टेड है। अगर कोई गवर्नमेंट, थर्ड पर्सन या कोई भी कंपनी इस कोशिश में लगी रहती है कि हमने यूजर्स के इंटरेक्शन के बगैर, ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर यूजर को मॉनिटर करना है, उनके चैट्स, उनके कॉल, उनके ग्रुप चैट्स, सब चीज़ें, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि व्हाट्सएप इंक्रिप्शन के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ करता है, एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर को उसको क्रैक करने में लगा दिया जाए तो मिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं। अब
जहाँ पर बात आ जाती है, आप जैसे कि लीक्स का कह रहे हैं, तो वो इंसान की या यूजर की अपनी मैनिपुलेशन है, उसको अगर किया जाए सोशल इंजीनियरिंग से, या उसके मोबाइल में ऐसी कोई एप्लीकेशन डाल दिया जाए, कोई ऐसी वायरस, तो वो उसके व्हाट्सएप मॉनिटर करती रहती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शहजाद, जाते जाते मैं चाहूंगी जरा जो आम यूजर्स हैं उनको तो जरा आप थोड़ा सा गाइड करें कि वो, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आम यूजर अपना फोन अपना लैपटॉप यूज करते हुए कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें एहतियात बरत सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैकिंग से बहुत ज्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं आजकल। अच्छा, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के दौर में साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक टेक्निकल फील्ड नहीं है, हर उस इंटरनेट और मोबाइल यूजर के लिए साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स का जानना लाजमी है। Exactly. कि उन्होंने खुद को कैसे स्कैमर से, फेक से, फ्रॉड से बचाना है। अब आपको कोई भी, जहाँ तक बैंकिंग सेक्टर की बात आ जाती है, तो बैंक कभी भी किसी को भी पर्सनली कॉल या एसएमएस पे कोई ओटीपी, कोई कोड, ऐसी चीजें नहीं मांगती आपको किसी भी अननोन नंबर से किसी भी चीज के लिए, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे एटीएम कोड हो, जो भी हो, तो उसके लिए किसी को कोड प्रोवाइड ना किया जाए। दूसरी बात, अगर कोई आपको शॉपिंग किसी चीज की भी लिंक आती है कि ये इस पे ऑफर है, आप इसको करें, तो आप कभी भी उस पे क्लिक ना करें, बजाय प्रोडक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक किया करें, और उसके जो ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स हैं तो उस पे जाके चेक किया करें। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये, जी आप बताइए, दूसरी बात मुकम्मल कीजिए। कि अक्सर हम लोग अपने हमारे मोबाइल फोन में डेटा होता है हमारी फैमिली की, अपनी पर्सनल, तो हम किसी मोबाइल रिपेयर के पास ले जाके उसको छोड़ देते हैं कि ठीक करें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन रिपेयर दुकानों पर जाकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका डेटा वहां चला जाता है। शहजाद अहमद, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, एक्सप्रेसो का मेहमान बनने के लिए।